सबसे पहले बेटा पॉलिनोमियल का आपको जो पहला कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कोई भी ये ग्राफ दिया हुआ है और आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास है, आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछे गए, कितनी जगह पे ये एक्स एक्सिस को टच करता है उतने जीरोस होंगे, उतने मेरे पास है जीरोस की बात करनी है आपने, 1 2 3 4, चाहे वो ऐसे टच करें तो आपने इसको 1 ही काउंट करना है, क्योंकि है तो वो इक्वल वैल्यू ही ना। आपने ये नहीं सोचना कि टच होते हैं तो 2 जीरोस होंगे, है ना, पर है तो इक्वल वैल्यू ही ना। तो देखा जाए तो इसमें कितने जीरोस है, 2 जीरोस। ओके बेटा, क्लियर। अगर मैं ये पूछूं कि कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल हो सकती है, जितने जीरो, 1 2 3 4, 4 डिग्री की, बट जब टच करती है ना तब उतने डिग्री की नहीं होती, ठीक है ना, तब वो इतने डिग्री की नहीं होती, क्योंकि जितने एक्चुअल में जीरोस होते हैं चाहे वो सेम है उतने जीरोस उतनी डिग्री की पॉलिनोमियल होती है। मैं ये जस्ट नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है, हो सकता है हमने सिर्फ इतने में चेक करना, हम सिर्फ रियल वैल्यूज की बात करते हैं, नॉन रियल की नहीं बात करते, नॉन रियल जीरोस भी हो सकते हैं, वो प्लस वन में आके आता है, बट यहाँ पर हम जनरल बात करते हैं कि उसके जीरोस रियल जो वो एग्जिस्ट करते हैं तो उतनी जगह पे उसको टच करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 2 यहाँ, क्योंकि वो टच कर रहा है, 2 यहाँ पर टच कर रहा है, तो टोटल ये 4 डिग्री की ही पॉलिनोमियल होगी। ये जस्ट नॉलेज के लिए बता, ओके, डबल होती है ना क्योंकि इक्वल जीरोस हो गए ना, ओके, ठीक है, इंटरसेक्ट करने पे वो एग्जैक्टली उतनी वैल्यूज होती है। अब मेरे पास जो है, अब यहां पर ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं ये कितनी जगह पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, टच वर्ड नहीं बोलते, मेरे से मुंह से निकल जाता है, अदरवाइज इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। अब जरा देखना, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और मैं आपसे पूछूं कि ये कितने जीरोस इसके हैं, ओनली 1 एक्स एक्सिस पे, एक ही पॉइंट पे। अच्छा, अगर मैं यहां तक देती, कोई जीरो नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहां पर लिखती x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, हाउ मेनी जीरोस आते, क्योंकि y पे है, y पे डिपेंडेंट कर रहा है ये फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर फिर y एक्सिस पे देखते हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरोस है। अगर कुछ नहीं लिखा जाए, इफ नथिंग इज मेंशन कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ y है, तो बेटा 100% तब हम स्टैंडर्ड की लेके चलते हैं पॉलिनोमियल, वो क्या होती है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके बेटा, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट, मेरे पास जो है यहां पर, अगर आपको कोई भी मेरे पास ग्राफ दिया गया है और आपसे ग्राफ के रिलेटेड नॉलेज पूछी गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसी पॉलिनोमियल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ग्राफ एक आपको ऐसे दे दिए और आपसे पूछा गया ये पॉलिनोमियल कैसी है, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, और वो ए एक्स प्लस बी वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, पी ऑफ एक्स लिखो या एफ ऑफ एक्स लिखो, 1 इज द सेम थिंग, क्योंकि लीनियर में ही स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। ये सारा कुछ आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं बार बार कह रही हूँ एक एक चीज को अच्छी तरह पढ़ो, फिर हमारे पास, और ये चीज हमने 9th में ही की हुई है, ए एक्स प्लस बी या एक ए एक्स प्लस सी कुछ ऐसे दिया हूं। दमन शर्मा, दिस इज नॉट योर क्लास, दिस इज 10th क्लास पीरियड बेटा, अटेंड योर प्लस 2 क्लास दमन। चलिए नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए
अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको पूछा जाए कि ग्राफ कैसा है और आपको दे दिया ए ग्रेटर देन जीरो, है ना। दो तरह से मेरे पास जो है कंडीशन हो सकती है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ अपवर्ड ही होगा, ओके। अगर ए लेस देन जीरो है तो ग्राफ डाउनवर्ड होगा, ओके जी, क्लियर। लेस देन जीरो, ठीक है बेटा। अब मेरे पास जो गए नेक्स्ट, अगर मैं आपको ये भी पूछा जा सकता है मेरे पास कि अगर ऐसी पॉलिनोमियल है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसी पॉलिनोमियल है तो ये एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे टच करेगी, एट मोस्ट टू कहोगे, अकेला टू वाले को टिक नहीं करोगे, क्या लिखोगे, एट मोस्ट टू, मतलब मैक्सिमम टू। क्यों, ऐसी भी तो हो सकती है, नॉन रियल है क्वाड्रेटिक की, मान लीजिए वो ग्राफ ऐसा बन जाए, वो ग्राफ ऐसा बन जाए, है ना, वो ग्राफ टच करे, वो ग्राफ इंटरसेक्ट करे, किसी तरह भी हो सकती है, कितने सारे केसेस हैं, है कि नहीं है। तो इसका मतलब हम इसीलिए एटमोस्ट टू का मतलब ज्यादा से ज्यादा टू पे टच करेगी, वो एक पे भी कट कर सकती है, वो जीरो पे भी कर सकती है। एक पे कट करना मतलब टच करना, ठीक है ना, क्योंकि एक पे वैसे कट नहीं ना कर सकती है, करेगी तो टू पे ही करेगी, तो नहीं टच करने, टच करना या इंटरसेक्ट करना वो ऊपर हो सकती है, और दोनों पे टच मीन्स इंटरसेक्ट करना वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है। समझ आ गई मेरी बात। इसीलिए बुक में बार बार वो क्या लिखते हैं, लीनियर के लिए एटमोस्ट वन, क्वाड्रेटिक के लिए एटमोस्ट टू, बार बार वो वर्डिंग एटमोस्ट को यूज करते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ए ग्राफ। किसको किसको, पहले मैंने, इसीलिए मैं पहले मैं आपको बताती ना तो आपको समझ नहीं आना था, मैंने आपको पॉलिनोमियल में पहले समझाया, क्वाड्रेटिक में। अब ये आप है लीनियर ही होगा, होगा लीनियर ही, मान लो वो लाइन ऐसे है, आप लीनियर में क्या होता है कि ये जितना एक्सटेंड करोगे कहीं ना कहीं जाके करेगी करेगी, लेकिन क्वाड्रेटिक में जरूरी नहीं है। हो सकता है, बट ग्राफ ये आप ये नहीं ना कह सकते, वहां पर एक बार टच वर्ड आएगा, लाइन में इंटरसेक्ट वर्ड आएगा बेटा, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये टच नहीं कर रहा, लाइन में वो इंटरसेक्ट करता है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक है आपका ग्राफ फिर ऐसे ही बनेगा और टच करेगा। मैंने आपको अभी तो कहा वो टच कर रहा है मतलब इक्वल वैल्यू से, वो कभी ऐसा थोड़ा होगा कि वो एक ही जगह पे, क्योंकि अगर आप जैसा मर्जी आप करोगे वो वापिस आके इसको दो पार्ट्स में टच इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। इसीलिए मैं आपको बार बार इंटरसेक्ट और टच का मीनिंग बता रहा हूँ, पता चला सक्षम, क्लियर हुआ, ठीक है जी। जहां मर्जी तुम, अगर वो इंटरसेक्ट एक पे करेगा तो दूसरे पे करेगा ही करेगा, 100 जैसी मर्जी नेचर हो उसकी, या तो करे ही ना। हाँ जी, इसमें इक्वल रूट्स है, टच करने पे हमेशा इक्वल वैल्यूज होती तो दो, हाँ जी बिल्कुल जी, लेकिन टच मतलब वहां पर सिंपल जो है वो टेंजेंट की तरह उसको एक्स एक्सिस डील करती है उस कर्व पे, ओके जी, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, मेरे पास जो है ये ग्राफ का था, हमने जो यहाँ पर करना है सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है नंबर ऑफ जीरोस कितने पूरे ग्राफ पे, या कि अगर क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ कैसा हो सकता है, आपको पता होना चाहिए, पैराबोला हो सकता है, ठीक है। तो ये दो स्टैंडर्ड थे, क्वाड्रेटिक में दो जगह पे, डिग्री टू है तो दो ही जीरोस होंगे, ठीक है ना, लीनियर डिग्री वन है एक जीरो हो सकते हैं, लेकिन ग्राफ टच की बात होती है तो एटमोस्ट टू एटमोस्ट वन, ओके। टच मैं बोल देती हूँ
वहां मतलब मेरा इंटरसेक्शन का ही है। ओके चलिए, हाँ जी लीनियर में डिग्री वन हो, ठीक है। अब कहने को ये देखो ग्राफ मेरे पास ये भी है, पर मुझे पता है कि इसके रियल जीरोस नहीं है। ओके हमने उसकी टेंशन नहीं लेनी क्योंकि एक्स एक्सिस पे वो टच नहीं कर रहा ना इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम ये थोड़ा कहेंगे कि इसके जीरोस, इसके रियल जीरोस नहीं है, पर नॉन रियल तो है ना, हमें उसकी क्या टेंशन लेनी क्योंकि नॉन रियल हमारे अभी टेंथ के सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए हम उस पर नहीं जा रहे। ओके चलिए अब नेक्स्ट बेटा मेरे पास हो गए। पहली एक्सरसाइज में आपसे बार बार यही पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जीरोस बता, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ, ग्राफ ये है मेरे पास, ये लीजिए, टच वो वन इंटरसेक्ट वो वन जगह पे कर रहा है, पर ये लीनियर तो नहीं है ना, है ना, नहीं है ना, तो ना क्वाड्रेटिक है ग्राफ, कोई और ही है ना। बात टच में सिर्फ हम नंबर ऑफ जीरोस एग्जैक्टली कहते हैं कि इतने जीरोस हैं, वहां से वही डिपिक्ट होता है। हाँ ग्राफ भी दिया है आपको, वो स्टैंडर्ड ग्राफ दिया है आपको, पता है स्ट्रेट लाइन ही दी है ऐसे, तो और टच भी एक जगह पे कर रहे हैं, तो वो आप कहोगे कि ये लीनियर ही है, ठीक है, इंटरसेक्ट, फिर वर्ड बार बार बोल रहे हैं इंटरसेक्ट, ठीक है क्लियर। चलिए पहले में हमारे पास यही था, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास रिलेशनशिप पर बेस्ड, और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत ज्यादा बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप, वो क्या है वो भी अभी बताने लगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मेरे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, यानी दिस इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो मेरे पास यहाँ रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस मेरे पास हो गए दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। प्रोडक्ट मेरे पास ऑफ जीरोस दैट इज सी बाय ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके बेटा जी क्लियर। ये रिलेशन को यूज करके हमने कई बार रिलेशनशिप प्रूफ करना, अब यहाँ रिलेशनशिप प्रूफ करना तो कभी नहीं आएगा ना क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो 100% मेरे से ये पूछ सकते हैं सम ऑफ जीरोस बताओ उसकी वैल्यू क्या होती। आपको कोई भी इक्वेशन दे दी, मान लीजिए ये इक्वेशन दे दी आपसे, पूछा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, माइनस फाइव बाय टू, बिल्कुल ठीक है। और आपसे पूछा गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस थ्री बाय टू, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पेपर में इतना सिंपल थोड़ा आएगा, वो क्या पूछेंगे। अब इन्हीं पर बेस्ड मैं आपको बता रही हूँ, वो क्वेश्चन को घुमा देते हैं, क्या घुमाते हैं कि मेरे पास व्हाट दे विल राइट हियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, हमेशा जो भी चीज दी है ना आपने उसको पता किसमें चेंज करना है, अल्फा प्लस बीटा में, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि वही दो वैल्यूज आपको गिवन है। तो मैं क्या करूंगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मेरे पास टू अल्फा बीटा, हाँ जी माइनस फाइव बाय टू, इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू मेरे पास माइनस थ्री रह गई क्योंकि टू और टू कट गया, तो ये ट्वेंटी फाइव बाय फोर प्लस थ्री, ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेल्व बाय फोर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये सेवन थर्टी फोर, सेवन बाय फोर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आंसर आ गए। अच्छा ऐसे ही
आपसे अगर वो पूछते अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अच्छा आप कहते अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, मेरे पास अल्फा माइनस बीटा नहीं है ना। एक तरीका तो क्या होता है बेटा, मैं यहां से रूट्स निकाल लू, मतलब जीरोस निकाल लू और सीधा अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दू इसमें। अगर कोई के वगैरह की वैल्यू नहीं निकालनी तो वो उसके लिए वो इजी मेथड है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें कुछ के निकालने को कहा जाता तो मुझे ये वैल्यू निकाल ऐसे ही कैलकुलेट करनी पड़ी। कैसे? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है, रह गई ये। अब इसके लिए देखो मैं क्या करने लगी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मेरे पास होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ये देखो यहां से निकाल और ये वाला एज इट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। ये जो स्क्वायर था उधर जाके क्या हो जाना था, रूट। इसकी वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले से निकाली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ये बनी, ये एज इट इज माइनस टू फोर अल्फा बीटा। तो मेरे पास जो है ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली, ये मैंने ड्राइव करके बताया, आपने पेपर में ड्राइव नहीं करना, आपने सिंपल अभी ये याद रखना है कि अल्फा माइनस बीटा कभी भी मैंने निकालना है तो अंडर रूट ऑफ मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। बात समझ आ गई बेटा? ठीक है, ऐसे मतलब ये सारे फॉर्मूले आपको ड्राइव करके अभी से उसको लर्न कर लेना है अगर टाइम सेव करना है, नहीं तो आप ड्राइव करोगे फिर वैल्यू पुट करोगे, इट टुक टाइम। ठीक है बेटा, चलिए अब ऐसे ही क्यूब वो नहीं रब किया मैंने। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मैंने ये कैलकुलेट करना है। तो मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ होल क्यूब मेरे पास हो गए तो यहां पर क्या आएगा बेटा, इफ यू सी ए क्यू बी क्यू थ्री अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। इसको ओपन नहीं करना क्योंकि प्रोडक्ट और सम की वैल्यूज ही है ना मेरे पास, दी है। इसको एज इट इज इधर क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तो दैट मींस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा। देखो सब कुछ सम और प्रोडक्ट में चेंज हो गया। कौन सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, उसमें जो फॉर्मूला आता है उसमें आप जो लगाते हो ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी फिर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आ गया ना। इसकी क्या खोलोगे बेटा, आप कह रहे हो कि मैम मैं ये वाली वैल्यू यूज करूं, ये देखो इसकी वैल्यू पता है पुत्र, इसकी वैल्यू पता है, इसकी फिर आइडेंटिटी लगा के निकालो, डबल हुआ ना। तो उससे बेटर ये नहीं है हम सीधा ये लगा दें, कहा ओहो कौन सी बेटा, कुछ भी नहीं किया, जो होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है वहां से इसकी वैल्यू निकाल ली, इन सबको उधर माइनस कर दिया, क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं। फाइव कहां से आ गए, वैल्यू जो आई वो बेटा जो भी आए, मैं तो अभी जस्ट आपको आइडेंटिटीज बता रही हूँ।
कि कैसा भी क्वेश्चन हो, पुत्र ये वैल्यू निकालनी है, ये इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगी? मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, ट्रांसपोज किया, ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? चलो अच्छा, अब और इस पर बेस मेरे पास, ध्यान से अब देखो जरा, कई बार क्या होता है, आपसे ऐसे पूछा गया कि कोई भी इक्वेशन दे दी, मान लीजिए इट इज गिवन हियर, दिस इज द इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द इक्वेशन ऑफ रूट्स ऑफ या जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, पॉलिनोमियल वर्ड यूज करते हैं, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन राइट द पॉलिनोमियल हूज जीरोस आर टू अल्फा टू बीटा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, कोई नहीं करना कि पहले अल्फा बीटा निकालो, नॉट एट ऑल, रीजन आप सम निकालो, आपको इससे एक पॉलिनोमियल लिखनी है ना, यानी टू अल्फा प्लस टू बीटा, टू कॉमन, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा तो इसी के जीरो है कि नहीं, तो वो यहां से निकल सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या हो जाएगी, दैट इज 5/2, तो यहां पुट करोगे तो आंसर 5, प्रोडक्ट 2 अल्फा 2 बीटा, 4 अल्फा बीटा, 4 × 7/2 कितना आ गया, 14, आया कि नहीं आया, तो दैट मींस मेरे पास हो गए, बिल्कुल जी, ओके, तो वही से लेना। अच्छा आपको ये कह सकते थे फाइंड द पॉलिनोमियल हूज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ दीज जीरोस, रेसिप्रोकल का मतलब अगर इसके अल्फा बीटा हैं तो उसके कितने हो जाएंगे, अब सम निकालो, कुछ भी चेंज होके आ सकता है, अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, जो मर्जी लिखो, है ना, अब सम की वैल्यू है, प्रोडक्ट की वैल्यू है, पुट कीजिए, सम की वैल्यू 5/2, प्रोडक्ट की आंसर कितना आ गया, अब अगला आपसे क्या पूछा, प्रोडक्ट 1/α 1/β, अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2, 2/7 होगी, इक्वेशन बना लो, x² - 5 / + b, एलसीएम लो, ऐसे दिए तो ऐसे ही लिख दो, एमसीक्यू में दिए, हाँ जी, पॉलिनोमियल ही निकाला बेटा, मैंने आपको कहा क्या पता वहां एमसीक्यू में ऐसे इक्वेशंस दी हो, तो एलसीएम लेके ही आएगी पुत्र, ये नहीं दी हो सकती बेटा, मोस्ट प्रोबेबली जो है, आप अगर सैंपल पेपर्स देखो तो उसमें जो पैटर्न दिया हुआ है अगर हम उसी को फॉलो करें ना एग्जैक्टली, तो 40 एमसीक्यूज होंगे आपके पास, जिसमें ऑलमोस्ट जो उन्होंने ना हमें अभी, क्योंकि सीबीएसई में नहीं आया, मैं बार बार कह रही हूँ, जो उन्होंने बुक्स में नॉर्मली जो पब्लिशर्स ने दिए हुए हैं, उन्होंने किसी पब्लिशर ने कैसे दिया, किसी ने कैसा, मैं रफ आइडिया बता देती हूँ आपको, उन्होंने, हाँ जी, उन्होंने बेटा मेरे पास तो गए, अगर मैं क्वेश्चंस देखूं, 25 एमसीक्यूज, उसके बाद 4 assertion reason और केस स्टडी दी हुई है, तो एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस है, तो अपने आप 5 + 5 = 10 हो गए, 40 क्वेश्चंस, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। अब नेक्स्ट बेटा, पहली आपके पास जो सेकंड एक्सरसाइज थी 2.2 पर बेस्ड,
एक आपको मैंने आपको रिलेशन पर बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता दिए, दूसरा जो सेकंड एक्सरसाइज पॉलिनोमियल पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या आता है बेटा, आपको जीरोस कैलकुलेट करने, कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लीजिए आपके पास पॉलिनोमियल हाँ जी टी स्क्वायर माइनस 15 फाइंड द जीरोस, तो आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस रूट 15। कोई एक और पॉलिनोमियल आ गई, मान लीजिए आपके पास है 6x² मेरे पास माइनस 3 माइनस 7x, तो बेटा सबसे पहले ये चीजें हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को, क्या करेंगे बिल्कुल अंदर वाली टर्म में सेकंड टर्म में लेके आएंगे, ये लिखा। अब बेटा यहां पर क्या करेंगे, सेपरेटिंग द मिडल टर्म, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 18 आए, तो माइनस 3 हाँ जी 3x 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 और x की वैल्यू माइनस 1/3 एंड 3/2, ठीक है जी। तो यहां से जो है पहली एक्स जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 2.2 से जीरोस निकालने वाला बनता है, ठीक है। फिर वो अगली बार कहता है कि क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनाइए अगर आपको जीरोस दिए, मान लीजिए चलो बेटा ये कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।